Sat Sri Akal, Namaste, welcome back to my channel. My name is Ms. Samandip Kaur. Today, let's do subject EVOs of 5th class, chapter 21, Glimpse of Past. So, let's start reading of this chapter. Glimpse of Past means past ki kuch jhalke. Children, let us see some pictures. So, you can see the pictures. This is Victoria Memorial Clock Tower, 5th Court. This monument was constructed by Raja Balbir Singh 1869 to 1906 in the year 1902 in the memory of Queen Victoria. This 115 feet tall building is based on French design and stands on a 3 feet high pedestal which is now buried under wood. It has clocks made in Switzerland which strike every hour and can be heard in the city. Iske bare mein bataya gaya hai. विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर इसका नेम है जो फरीदकोट में स्थित है. ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था, राजा बलबीर सिंह ने बनाया था 1902 में विक्टोरिया की याद में. इसकी जो हाइट है वो है 115 फीट एंड 3 फीट इसका पेडिस्टल बना हुआ था जो अभी रोड के नीचे दब गया है. इसमें एक क्लॉक लगा हुआ था जो हर आर के बाद स्ट्राइक करता था, जैसे पेंडुलम क्लॉक होता है राइट. हर आर के बाद उसकी आवाज होती थी स्ट्राइक होने की जो हमें पूरी सिटी में सुनाई देती थी. इंफॉर्मेशन बोर्ड है जो अभी हमने पढ़ा, विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर फरीदकोट, इसकी पिक्चर देखो. अभी नेक्स्ट, नाउ लेट अस फिल अप द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस पिक्चर्स. सो हियर नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट इज विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर. Where is it located? कहाँ पे स्थित है? फरीदकोट. When was it made? कब बनाया गया? 1902 में. Height of the building is 115 feet. And who built it? Raja Balbir Singh. Now next, here, many cities and towns of Punjab have clock towers. Ghantagar. Have you seen the similar monument as some other places? Write down the tale in your notebook. This picture show the Qila Mubarak in Bathinda. अब ये पिक्चर है किला मुबारक की, पिक्चर है बठिंडा में. अब आपने देखा होगा कई जगहों पे बहुत सारे क्लॉक टावर्स हैं, जैसे कि उनको घंटाघर भी बोलते हैं राइट. आपने अलग अलग प्लेसेस में पंजाब में देखे होंगे. जो अभी हमारे पास पिक्चर है ये है किला मुबारक इन बठिंडा, बठिंडा में जो किला मुबारक है. ये आउटर व्यू मीन उसका बाहर का व्यू है, बाहर से वो कैसे दिखता है. नेक्स्ट हमारे पास है इनसाइड व्यू ऑफ किला मुबारक बठिंडा, अंदर का व्यू है, अंदर से वो कैसे दिखता है. In the structure of this fort, you can see raw bricks along with the small and fully baked bricks, which are also called Nanak Shahi bricks or Lahori bricks. It is very small in size as compared to the normal brick, which is used nowadays. In those times, the bricks were staked with chuna powder mixed with the fiber of flax plant. For strength, this was not a residential fort, but an army camp. So we cannot see Diwane Khas, Diwane Aam etc. as in the forts of Delhi and Agra. अब इसके बारे में बताया गया कि ये नानक शाही ब्रिक्स से बना हुआ है, जिसको लाहौरी ब्रिक्स भी बोलते हैं. बहुत स्मॉल साइज की होती हैं, जैसे कि आजकल बड़ी साइज की होती हैं. पहले बहुत स्मॉल साइज की होती थी वो ब्रिक्स, जो बनी होती थी चूना पाउडर और फ्लैक्स प्लांट के मिक्सर से. ये जो फोर्ट है रहने के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक आर्मी कैंप था. इसमें कोई भी दीवाने खास और दीवाने जैसे कि दिल्ली और आगरा में वैसा हमें नहीं दिखाई देता है. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है नानक शाही ब्रिक्स. देखो कितनी स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स हैं, इनको नानक शाही ब्रिक्स बोलते हैं, इससे बना हुआ है ये. नेक्स्ट है रजिया सुल्तान वॉज जेल्ड इन दिस फोर्ट. रजी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश द किंग ऑफ दिल्ली. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रूल दिल्ली, बट ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज अनकॉमन फॉर अ वुमेन टू रूल एंड मेनी ऑफ हर कॉर्पोरीज वर अगेंस्ट हर. प्रदा प्रथा वॉज प्रिवेलेंट स्पेशली अमंग मुस्लिम वुमेन, बट रजिया यूज टू ड्रेस अप लाइक मैन एंड सिट इन द ओपन कोर्ट. During that period, governor of Bathinda, Malik Altunia, revolted. As a result, the battle was fought between Razia Sultan and Malik Altunia. Razia was captured and put into jail. Later, Razia married Altunia. After Razia left Delhi, her brother Mauz-ud-Din Behram Shah started ruling Delhi. Razia and her husband fought a battle with her brother but could not win and were murdered near Kethal. Razia Sultan ko jail mein dala gaya tha, is jail mein. वो इल्तुतमिश किंग की बेटी थी जो दिल्ली का राजा था. वो पहली ऐसी वुमेन थी जो रूल कर रही थी दिल्ली पे. उस टाइम पे बहुत ही अनकॉमन होता था, मींस कॉमन नहीं था कि कोई भी औरत रूल करे राइट. तो हर कॉर्ट्रीज, हर उसके महल के जो दरबारी थे वो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा प्रथा चलती थी, पर्दा करना पड़ता था. जैसे कि मुस्लिम वुमेन्स हैं
जो बुर्का पहनती हैं, पर वो वैसे नहीं पहनती थी, वो हमेशा आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी, हमेशा ओपन ही कोर्ट में बैठती थी, किसी तरह का कोई पर्दा नहीं करती थी, इसके लिए सब उसके अगेंस्ट थे। और बठिंडा के जो गवर्नर थे मलिक अल्तुनिया, उन्होंने बगावत कर दी थी, जिसके लिए उसने फिर रजिया से युद्ध किया और रजिया हार गई थी और रजिया को फिर एक जेल में डाल दिया गया था। जो किला हमने देखा है ना, उस किले में उसको कैद किया गया था। उसके बाद रजिया की उसी से शादी हो गई अल्तुनिया से, तो रजिया ने दिल्ली छोड़ दिया, तो उसके ब्रदर ने वहां पे रूल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके ब्रदर और उसके हस्बैंड के बीच में फाइट हुई, जिसमें क्या हुआ था, रजिया और उसके हस्बैंड मारे गए थे कैथल के पास। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रजिया सुल्तान, दिस वॉज रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हेयर इज द ब्रीफ हिस्ट्री, किला मुबारक बठिंडा, द फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज किला मुबारक बठिंडा और किला गोविंदगढ़। इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय राजा देव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Kushanas in early centuries. Actually, this fort is built of clay bricks in 11th century after Raja Jaipal committed suicide. Mahmud Ghazni captured this fort. Later, first Empress of Delhi Rajia Sultan was imprisoned 1236 to 1240 in Kila Bathinda by the Governor Muhammad Ikhtiyar Uddin Altunia. It is said that Rajia jumped off the fort to consolidate her forces. For fighting back during Mughal era, this was an important place en route to Lahore. In 1754, this killa was conquered by the chief of Fulkia, Ala Singh, and remained under Maharaja of Patiala. Till the princely states got merged in India, the fort is constructed on a higher plinth and is circular in shape with 32 small and 4 large burj. इस किले को किला गोविंदगढ़ भी बोला जाता है, इसको राजा देव ने बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ पे जब राजा जयपाल ने सुसाइड कमिट किया था, तो महमूद गजनी ने इस फोर्ट पे अपना अधिकार जमा लिया था। रजिया सुल्तान को भी इसमें इम्प्रिजन किया गया था, मीन्स इसमें कैद किया गया था, जो वहाँ का गवर्नर था उसने उसको कैद कर लिया था। अब रजिया जहाँ से भाग गई थी, उसने फिर से फाइटिंग करनी शुरू की थी। यहाँ से एक रास्ता था जो लाहौर तक जाता था, इसको फिर पुलकिया के चीफ ने भी इसको अचीव किया था, जिसका नाम था आला सिंह। ये किला बहुत ही हाइट के ऊपर बनाया गया, इसके शेप सर्कुलर है और इसके 32 स्मॉल एंड 4 लार्ज बुर्ज हैं इसमें। इट्स वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, हैविंग बेस विड्थ ऑफ 16 मीटर्स। इसका जो बेस है 16 मीटर का है, यहाँ की जो वॉल्स हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हाइट 30 मीटर है उनकी। नेक्स्ट, मेन डोर इज टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट विद शार्प एंड पॉइंटेड रॉड्स ऑन इट। जो मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। दिस नोटिस बोर्ड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट किला मुबारक इन बठिंडा, लेट अस रीड दिस एंड नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन। अब हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट इज किला गोविंदगढ़ और किला मुबारक। Where is it situated? Bathinda. Who built it? Raja Dev. Who possessed this fort after Raja Jaipal? Mahmud Ghazni. Rajia Sultan ruled till 1236 to 1240. Now next question is, write in brief, what do you know about Kila Mubarak? So here, Kila Mubarak is in Bathinda. It has been built by Raja Dev. After Raja Jaipal, Mahmud Ghazni captured this fort. Rajia Sultan was imprisoned in Kila Bathinda. In 1754, this Kila was conquered by Ala Singh. It has 32 small and 4 large burjas. Its walls are very strong with width of 16 meters and height 30 meters. Main door is toward northeast with sharp and pointed rods on it. Here you can see the picture of a hammam. Amkhas Bagh Sirhind, the construction of this park was started by Babur. Mughal kings like Jahangir and Shah Jahan extended it from time to time. This place was used by Mughal kings to stay while traveling from Delhi to Lahore. Jahangir got Sroat Khana, Hammam and Sheesh Mahal constructed while Daulat-e-Khas was built by Shah Jahan. इसको आमखास बाग भी बोला जाता है, जो सिरहिंद में है। इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी बाबर ने। मुगल किंग्स थे जैसे कि जहांगीर और शाहजहां, इसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते थे। अभी मुगल किंग्स ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो यहाँ पे दिल्ली से लाहौर तक को ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता था। जहांगीर ने और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि स्रोत खाना, हमाम, शीश महल, दौलत ए खास, जो कि शाहजहां ने बनाया था। वी आर लर्निंग अबाउट ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। वी गेट वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल और हेरिटेज मॉन्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द आर्किटेक्चर ऑफ दोज टाइम्स, द मटीरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, वी गॉट इट कंस्ट्रक्टेड व्हेन
Except from many monuments are getting ruined due to lack of proper care. Amkhas Park of Sirhind is an example of one such monument. Its existence is in danger today. हम पुराने मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. हमें पता चलता है कि कौन सी आर्किटेक्चर इसके लिए यूज किए गए हैं, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, कब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया. पर कुछ मॉन्यूमेंट खराब हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है. आमखास बाग सरिंद का इसकी एग्जाम्पल है. ये भी खराब हो रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस जो डेंजर में है. नेक्स्ट कैन सी द पिक्चर ऑफ दौलत खाना. ये इसकी पिक्चर है, देखो कैसा हो रखा है. व्हेन दीज मॉन्यूमेंट्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, किंग्स ऑर्डर सम न्यू थिंग्स ऑफ देयर चॉइस. लेट अस लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. व्हेन यू सी द डोर्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, दे आर इन सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम द टॉप. दिस शेप इज कॉल्ड एन आर्क डार्ट. टाइप्स ऑफ आर्क डार्ट आर शोन इन ब्लू. आप देख सकते हो इसको डार्ट भी बोलते हैं. ये सेमी सर्कुलर आर्क में इसके डोर्स होते हैं. उस टाइम पे किंग्स को जैसा भी पसंद था वो वैसे डोर्स बनवाते थे. आप देख सकते हो. This arc that is horseshoe shape structure and building with such arcs were built during the reign of King Jahangir. जहांगीर के टाइम में ऐसे डोर्स होते थे जो आप देख सकते हो कैसे कैसे होते थे. उनके पसंद के डिजाइन होते थे, सेमी सर्कुलर, राइट. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट डोर्स. दीज आर्क्स हैव मेनी स्मॉल आर्क्स इन देम. बिल्डिंग विद सच आर्क्स आर नोन टू बी मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग शाहजहां. शाहजहां के टाइम पे ऐसे होते थे जिनमें बहुत सारी आर्क्स होती थी. आप देखो कि इसके कैसे डिजाइन है इनके डोर्स के. नेक्स्ट ये एक्टिविटी लेट अस स्किप. Now, Qutb Minar, these were constructed by Mughal kings after every mile to know the distance during travel. Delhi to Lahore route was through Punjab and was very important. So, Punjab has many such minars. Qutb Minar होता था जिससे हमें distance मापी जाती थी कि कितने distance पे कौन सा Qutb Minar बनाया गया है, कितने distance हमने travel कर लिया. ये इसलिए बनाए गए थे, Mughal kings ने ये बनाए थे. Delhi to Lahore route बहुत ही ज़्यादा खास था, बहुत ही ज़्यादा important था. इसीलिए पंजाब में बहुत सारे Qutb Minar हमें मिलते हैं जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है. नाउ नेक्स्ट है, Qutb Minar इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्फीयर पेडेस्टल. इट इज द ऑक्टागोनल शेप एंड इट्स टिप इज डोम शेप्ड. आपने देखा कि ये ऑक्टागोनल शेप का है और इसका जो टिप है वो डोम शेप का है. अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज यूज्ड नाउअडेज टू मेजर रोड डिस्टेंस. सो हियर देयर आर माइलस्टोन फिक्स्ड ऑन अ रोड साइड्स शोइंग डिस्टेंसेस. नाउ नेक्स्ट, सराय नूर महल. Now let's read. Noor Mahal is a town near Jalandhar. It is said that it was named after Noor Jahan, the wife of Jahangir. This Rai was built with the order of Malika Noor Jahan. This is a beautiful piece of architecture. Noor Mahal Jalandhar ke paas ek shehar hai. Iska naam Noor Jahan naam ki rani ke naam par rakha gaya, jo ki Jahangir ki wife thi. Usi ki yaadon mein ye mahal banaya gaya. Ye bahut hi beautiful hai. Aap dekh sakte ho iski picture. Sarai Noor Mahal. What was the use of constructing the Sarai? So answer is, in olden days, people have to walk long distances on foot due to lack of means of transport. People have to stay at night in Sarai. Here we are given some names of the monuments, their place and district where they are located. So there are many, you can read them. So now let us skip them. Next, here we are given the map of Punjab. Let's read the names of their district, starting from first, Pathankot, Gurdaspur, Amritsar, Tarantaran, Kapurthala, Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr. Next, rest of them are Firozpur, Moga, Ludhiana, Rupnagar, Chandigarh, Mohali, Fatehgarh Sahib, Barnala, Faridkot, Muktsar, Fazilka, Bathinda, Mansa, Sangrur, Patiala. Question is, how many districts are in Punjab? Write the name of all the districts. So there are 22 districts in Punjab. So we have written the names in the map. You can see. Question 5. Write the names of historical buildings shown in the map and color the districts in which these historical buildings are situated. Also write the names of these buildings. So here answer is Sarai Akbar, Shri Amritsar Sahib, Takhte Akbari, Gurdaspur, Kila Mubarak, Bathinda, Qutb Minar, Ludhiana, Noor Mahal, Jalandhar. Let's do matching. So here Sarai Noor Mahal, Noor Mahal, Takhte Akbari, Kalanaur. Next, Amkhas Park, Sirhind, Bodhisattva, Sangol, Sarai Akbar, Amanat Khan. Next, let's do mind mapping. So here we have to name the historical monument of Punjab. So here Kila Mubarak, Theh Ghati, Purani Sarai, Purana Tilla, Bodhisattva and Qutb Minar. Next, question number 8. Which department of Punjab does take care of historical monuments? So answer is Archaeology Department. Next, question 9. What kind of information do we get from a historical monument? So answer is we get the information about the architecture of those times, the material used for construction, who constructed it and when, etc.
Next question. Which king of Delhi was the father of Rudra? So here answer is Iltutmish. Now question number 11. Where and why were Razia and her husband murdered? So answer is Razia's brother Mazuddin Behram Shah murdered Razia and her husband near Kathal. It was done to get power. Now next question is who constructed Hammam and Srut Khana? So answer is Jahangir. Question number 2. What is Qutb Minar? So answer is these minars were constructed by Mughal kings after every mile to know the distance while traveling. Next question. Who ordered to build Sarai Noor Mahal? So answer is it was built with the order of Malika Noor Jahan, wife of Jahangir. So we have done this lesson. Thank you so much for watching.